स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेल्थ एंड सेल्फ केयर पर। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए कुछ ऐसी रेसिपी लेकर आती हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्दी हो, टेस्टी हो और इंस्टेंट रेडी भी हो। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्राई फ्रूट्स रायता जो कि हेल्दी भी होता है, साथ ही इंस्टेंट रेडी भी होता है और टेस्टी भी होता है। इसको बच्चे भी पसंद करते हैं और बड़े भी पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं ड्राई फ्रूट्स रायता बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने लिया है एक बोल फ्रेश दही। दही हम लोगों को फ्रेश ही लेना है, गाढ़ा लेना है। इसके साथ ही मैंने ली है चीनी। एक बोल मैंने रोस्ट किए हुए मखाने लिए हैं। थोड़े से मैंने लिए हैं काजू के पीस। 5 से 6 हरी छोटी इलायची का पाउडर लिया है। साथ ही मैंने थोड़ी सी ली है किशमिश। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने जो दही लिया है उसे एक बड़े बोल में हम लोग डालकर डालेंगे। उसके बाद हम लोग इसको मीठा करने के लिए चीनी डालेंगे। चीनी मैं इसमें डालूंगी 3 टेबल स्पून से, ये पर्याप्त मीठा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यदि आप चाहें तो आप मिक्सी के जार में डालकर इसको प्लेन कर सकते हैं। मैंने इसको प्लेन इसलिए नहीं किया फ्रेंड्स क्योंकि ये जार में चलाने से पतला हो जाता है, इसलिए मैंने इसको मिक्सी में नहीं चलाया। अब हम लोग इसमें डालेंगे ये मखाने। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है। इस ड्राई फ्रूट्स रायते को हम लोग अपने फास्ट में भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और बाकी के भी हम लोग इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसमें डालेंगे किशमिश। यदि आप चाहें तो बादाम भी ले सकते हैं, पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स रायते में। मैंने इन्हीं तीनों चीज़ों को ही अपने रायते में यूज़ किया है, बाकी की भी डाल देंगे। तो डालते जाएंगे इस तरह से और हम लोग इसको मिलाते जाएंगे। ये मिक्स हो गया है। अब हम लोग इसमें जो हम लोगों ने काजू लिए हैं वो हम लोग डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। यदि आप चाहें तो चीनी की जगह आप लोग जो डेले वाली मिश्री आती है जो धागे में पिरोई हुई बनाई जाती है वो केमिकल फ्री होती है, आप उसको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और देखिए मिनटों में हम लोगों का ड्राई फ्रूट्स रायता रेडी हो गया है। इसको अब हम लोग डालेंगे इलायची पाउडर।
हम लोग जो हमने इलायची पाउडर रखा है वो हम लोग इसमें डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये डाल दिया। अब हम लोग जो मैंने ये बड़ी साइज वाली चेरी ली है, इससे अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। लीजिए। अब लास्ट में हम लोग एक लेंगे पुदीने की पत्ती और पुदीने की पत्ती से इसको बीच में सजाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है आपका, मिनटों में रेडी होने वाला ड्राई फ्रूट्स रायता। आशा करती हूँ आज का ड्राई फ्रूट रायता आप लोगों को पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो मुझे कमेंट में बताइए और मेरे आने वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।